दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय हेवन यूनिसेक्स सैलून सोलन। सोलन मुरारी मार्केट में हिमाचल नरहरि सेवा समिति के सौजन्य से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के सातवें दिन व्यास आसन पर विराजमान आचार्य कमलकांत महाराज ने प्रवचनों से संगत को निहाल किया। उन्होंने बताया कि पूरे 100 वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम का बड़ा ही मार्मिक मिलन कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य पर अपने उन गोप ग्वालों एवं माँ यशोदा के साथ हुआ था। फिर अर्जुन से सुभद्रा का विवाह एवं भौमासुर की कथा का उन्होंने वर्णन किया। फिर यदुवंश को ऋषियों के श्राप की कथा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि बिना विचार किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा पछताने पर भी लाभ नहीं होता। उसी श्राप के प्रभाव से यदुवंश का नाश हुआ था। आचार्य ने सभी श्रद्धालुओं को समझाते हुए कहा कि चलते फिरते उठते बैठते हर स्थिति में उस प्रभु को याद रखना चाहिए, क्योंकि जीवन का सत्य मृत्यु है। इसलिए आत्म कल्याण की चिंता रखते हुए मनुष्य शुभ कर्म करे। जिसे आर्ष में श्री हरि नाम का हो उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या, नित्यवासी रूप कुलधाम का है। राधे जय जय श्री राधे। बस सार्थक जन्म उसी का यहाँ, हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है। बिना कृष्ण के दर्शन की जग में यह जीवन ही किस काम का है। यह जीवन मन चाहे महा धूम करो, मनमोहन रूप कमी करके उसमें उन्मत्त हो झूम करो। राधे राधे जय जय श्री राधे। भगवान के गले से लग करके जोर जोर से फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। उद्धव भैया क्या हुआ? उद्धव क्या कह रहे हैं भगवान से? अरे प्रभु आप इतने निष्ठुर, मुझे पता नहीं था आपका हृदय इतना कठोर। जो मैंने ब्रज की दशा उन ब्रजवासियों की दशा देखी ना, माँ यशोदा का जो हाल देखा, बाबा नंद का जो हाल देखा ना, आज मुझे भी दुख है। उद्धव कह रहे थे भगवान के गले से लगकर बहुत रोते हैं उद्धव। भगवान ने कहा अरे उद्धव भैया एक काम करो, एक क्षण की अपनी आंखें बंद कर लो। उद्धव ने आंखें बंद करी, नेत्र खोले के तो क्या दृश्य देखा, भगवान श्याम सुंदर बैठे हुए हैं, उनके साथ राधा रानी बैठी हुई हैं, उन ग्वाल बालों के माँ यशोदा भवानंद के दर्शन होते हैं कि प्रभु ये कौन सी लीला है। अरे उद्धव जैसे मेरी मैया यशोदा भवानंद वो ब्रजवासी मेरे बिना एक क्षण के लिए नहीं रह सकते, वैसे ही मैं उनके बिना एक क्षण नहीं रह सकता हूँ। ये तो केवल आपको एक शिक्षा देने के लिए मैंने ब्रज भेजा था। आप ज्ञानी तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े ज्ञानी, लेकिन आपके पास प्रेमा भक्ति की शिक्षा नहीं थी, इसलिए प्रेमा भक्ति की शिक्षा के लिए मैंने आपको उन ब्रज की गोपियों के पास भेजा। तो प्रेमा भक्ति की शिक्षा किसे ब्रज गोपियों से उद्धव ने ग्रहण करी। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्रेम के बिना अधूरा होता है। विभावन भगवान की। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से जय ठाकुर के साथ सुरेंद्र ममता की रिपोर्ट। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगा? आपकी खूबसूरती और युवा दिखने की चाहत को बरकरार रखने के लिए अब हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप आपके अपने शहर सोलन और कुल्लू में।
अत्याधुनिक उपकरणों व ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों से लवरेज हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप तेजी से उभरता वो नाम है जो बेहतरीन सर्विसेज और गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान बना रहा है। हेवन्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक जितेंद्र ठाकुर बताते हैं कि हमारे यहाँ ब्राइडल ग्रूम्स मेकअप के साथ साथ हेयर कट ट्रिमिंग शेविंग हेयर स्पा फेशियल वैक्सिंग ब्लीच व हर तरह का क्लीनअप इत्यादि सभी प्रकार के सौंदर्य ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो जवां जवां दिखने के लिए आज ही चले आइए अपने नजदीकी हेवन यूनिसेक्स सैलून